सो हेलो माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल कुकिंग एस्ट्रोलॉजी। टुडे वंस अगेन आई एम विद माई फादर पंडित डॉक्टर रोशनलाल गर्ग। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग प्लैनेट जुपिटर प्रिडिक्शंस इन ऑल द 12 हाउसेज ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्चाल। सो लेट्स हैंड ओवर टू माई फादर, ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन हिंदी एंड आई विल पुट द इंग्लिश सबटाइटल्स बिलो। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू। नमस्कार। आज आपको हम बृहस्पति का 12 भावों में फलादेश बताने जा रहे हैं। ये स्टार जो है ये सभी ग्रहों में प्रधान है। जैसे एक शेर जंगल में सभी जानवरों का नाश कर देता है, अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छा बैठा है तो अकेला ही बृहस्पति सभी बुरे योगों का नाश कर देता है। तो सुनो, अब यदि लग्न में यानी प्रथम भाव में गुरु हो तो वह मनुष्य नाना प्रकार के वस्त्र धन से पूर्ण सुंदर रूप वाला राजा तथा देव गुरु का प्रिय होता है। लग्न में गुरु कई दोषों का नाश करता है। जिस प्रकार जंगल में अकेला शेर सभी पशुओं का नाश करता है, उसी प्रकार यह सभी दोषों को दूर कर देता है। यदि गुरु दूसरे भाव में हो तो प्रसन्न चित्त उत्तम स्त्री का स्वामी तथा काफी धनवान मनुष्य होता है। यदि तृतीय भाव में गुरु हो तो बंधुओं के उपकार के लिए धन इकट्ठा करने वाला शुभ राशि या मित्र राशि में हो तो भाइयों और बहनों को लाभ देने वाला सहायता करने वाला होता है। यदि चतुर्थ भाव में सुक्षेत्री अपने क्षेत्र में यानी अपनी राशि में गुरु हो तो पशुओं जमीन मकान कपड़े का व्यापार कपड़े की मिल आदि में कार्यों से काफ़ी लाभ होता है। वाहन से भी लाभ देने वाला होता है। यदि पंचम भाव में सुक्षेत्री त्रिकोण में अथवा मित्र राशि का होगा तो स्थिर बुद्धि वाला, इससे अच्छी बुद्धि किसी की नहीं होती। पांचवें घर में बृहस्पति बैठ जाए तो उससे अच्छी बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। एक अच्छा फिजिशियन डॉक्टर बन सकता है। राजा का मंत्री, सूक्ष्म बुद्धि का स्वामी, पत्नी पुत्रों से युक्त, जिसका सभी सम्मान करें, ऐसा मनुष्य होता है। यदि खष्ट भाव में गुरु हो तो हाथी घोड़ों से शत्रुओं को जीतने वाला होता है। यदि गुरु शत्रु राशिगत हो तो शत्रु का भय रहता है। सप्तम भाव में यदि गुरु हो तो राजा के समान सुखी, पति का पत्नी को तथा पत्नी का पति को पूर्ण सुख प्राप्त होता है, यानी एक दूसरे को सुख प्राप्त मिलता है। मान सम्मान प्राप्त करने वाला पूर्ण सुखी होता है। यदि अष्टम भाव में गुरु सुक्षेत्री अपनी राशि में हो तो मित्र राशि का हो तो भी ऐसी स्त्री को पूर्ण सुहाग प्राप्त होता है। इसी प्रकार का फलादेश पुरुष की जन्म कुंडली
पत्री में भी जाने। यदि नीच राशि का या शत्रु राशि का गुरु अष्टम भाव में हो तो पत्नी के सुहाग में कमी तथा इसी प्रकार का फलित मनुष्य की कुंडली में भी समझें। यदि नवम भाव में सुक्षेत्री यानी कि अपनी राशि में या मित्र की राशि में गुरु हो तो राजयोग वाला अर्थात सरकारी कार्य में पूर्ण सफलता तथा उच्च पदवी को प्राप्त करता है। मातृ पितृ भक्त, देव गुरु का भक्त, दानी, महायज्ञ करने वाला तथा मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी प्रकार अब दशम भाव में सुक्षेत्री मित्र राशि का या मित्र राशि का गुरु हो तो गुरु की पदवी को प्राप्त होता है। जिसे सभी गुरु माने सदाचारी, सत्यभक्ता, ईमानदार, परोपकारी, दानी, ईश्वर भक्त तथा सभा में सभी जिसका सम्मान करें, निष्कपट न्यायोचित काम करने वाला, महान आत्मा वाला अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। यदि एकादश भाव में गुरु हो तो धनवान, कर्ज देने वाला, धर्म में रत यानी के धर्म में लीन तथा कई धनों से युक्त होता है। यदि द्वादश भाव में बारहवें भाव में गुरु सुक्षेत्री या मित्र राशि का हो तो शुभ कार्यों पर धन का खर्च करने वाला, दान करने वाला, परोपकारी, जिसका धन शुभ कार्यों पर खर्च होता है। So that's it guys from our side. I hope you find this analysis quite interesting. If you have any queries, any consultations, so you can contact us at our email ID. If you want any special consultation from my father as well, so do let us know. Thank you so much once again.